कोटली जाना आ बल्कि कोटली शरीफ आ खाना जी हाली कोटली तो नहीं नहाना चाहिए ना सो चुले आज कोटली शरीफ तो ब्रो कोटली शहर छोटे मोटे काम काज से मैं हूं कोटली आया वहां ससुराल शरीफ ना जुलोई किस तरह से सो चुले आ दो मिनट उठा भी हाजिरी दी छने आ अज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लखा करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम आल पर मौजूद नाज़रीन सो तकने कश्मीरी बैठक ते मैं सुना मेज़बान साकिब नवाज़ कश्मीरी उम्मीद करना जी सारे दोस्त अखबार पैणा पर अल्लाह ताला ने फजल करम ते शुक्र नाल ठीक ठाक हो सो खैर वफियत नाल सो ता अपनी जिंदगी है और अहसन अदल गुजारने पे हो सो माशाल्लाह जनाब सुबह सुबह ना टाइम है ते कल आली बारिश सुबह बाद मौसम बड़ा खुशगवार है माशाल्लाह बहुत प्यारा जाए नज़ारा आया असल में अक्सर बना होना जी चीज़ है ना जी मी अट्रैक्ट करनी है या मोस्टली बंदे की भी अट्रैक्ट करनी उसी वो है कि बारिश सुबह जल्द मट्टी की खुशबू होनी है ना उसने कोई नमल बदलनी है सो बहुत सारे परदेसी जितने बाकी चीज़ें अपने मुल्क ने मिस करने ये भी लाजमी मिस करने उसने बाकी जनाब तैयार शुरू हो गया सुबह सुबह काला जोड़ा बस साड़ी फरमाइश थे काला सूट लाइक जनाब तैयार तो सारा यूजुअल होने आज बेसिकली प्रोग्राम से पिंड ही जाने ना लेकिन वो कैंसिल किया उसकी वजह कि माड़ी आवाज़ तुझे अंदाजा हो रहा है कि मिकी ठीक ठाक थकावट भी ऐसी और प्लस है कि काफ़ी सफर भी किया और काफ़ी स्ट्रेसफुल भी कम होने ना चीज़ों सॉर्ट आउट कर रही हैं फैसला यह किया कि आज रेस्ट कर सा बाकी सारे मामला हो सन गल बात हो सन लेकिन सबसे पहले है कि चैनल सब्सक्राइब करी उड़ो तो फेसबुक यूज़ करो तो वीडियो दबा के शेयर करो जनाब सने मैं बताना शुक्रिया अल्लाह ताला से सलामत रखे कल वाली वीडियो पर सारे ने मैं कमेंट पढ़े मिली जुले राय सी शेरवानी ने मतलब सोचे और वरायटी भी दस हाँ अब प्रॉपर शॉपिंग शुरू कर सर घर के नाल खड़िया तो मैं चलो मैं भी चेक करी ना सो सबर आस्ते आस्ते चीज़ा हो सन तो तुम्हारी मर्जी नाल ही हो सन इनशाला बाकी गल्ला बात हो लेकिन सबसे पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग अजी तो भैया ब्रो वेलकम हो गया सारे कि नवे ब्लॉग ने अंदर अपने खूबसूरत जो दिन आगाज करने नाश्ते नाल नाश्ता ना मैं तो उस बगैर निजाम नहीं चलाया नाश्ते ना टाइम नहीं टाइम चेक करो इलाके आना लगा लेकिन चूंकि अजकल शादी ने तैयारियां में बिजी हाँ मुसलसल सफर पर सो करा थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी हुई है नाश्ता लेट भी हुई सकना कोई मसला नहीं है बाकी जुले नीचे नाश्ता नुश्ता करने तकने नाश्ते क्या कुछ है दादी को थोड़ा बहने थोड़ा उन्होंने गल बात करने उस तो बाद अगला प्लान बन सी अज ने दिहाड़े ना इंशाला अपरू डले तो आया नीचे जनाब तो मिगी याद आया नाश्ता करने तो पहले कि गंद बला एक गंद बला नहीं इसने भी चीज़ा चीज़ा आई सन उ सारिया चीज़ा जो पिंडी तुम कि सन उस जगह मैं कुछ बंद इनबॉक्स किया जनाब कि डिटेल दस रही क्या क्या कुछ किया सो अज नाश्ता करी कि ना नाश्ता करते फिर अपर जुलने चीज़ा ने अनबॉक्सिंग करने तुम कि दसने कि असर पिंडी क्या कुछ किया है तो बाथरूम ने रिलेटेड समान से सारा एसेसरी से लेकिन बहुत कम चीज़ा लभिया ने और यकीन करो कि रीजनेबल भी काफ़ी है इतने आने बस बंद सोचने कि मसला बनना उसने भी तुम्हें हल दे लेकिन पहले पर जुलने ना नाश्ता करने बाद दसने कि चीज़ा क्या कुछ किया फिर तुम्हें हल भी बने कि पिंडी सुधा समान किस तरह पहुंची सकना वह भी सस्ता तो क्वालिटी वाला नाश्ते ले टेबल पर आई गए जनाब आज नाश्ता थोड़ा जहा अटके आज जनाब साढ़े को इसलिए मौजूद है चावल कोई दी गया आंडू गुमांडू वाला भलाई कर रहे हैं बाकी थोड़े सेब चिप खा दें तो नाल चाह आई गई है चाह तो चावल चावल खाने जो कोई लभी जैसे पता ना नखरा तकदा किता ही नहीं ना बाकी नाश्ता नुश्ता करना है तो उस तो बाद मिले अच्छा जी भेड़ों तो भ्राओ नाश्ता करी तो वापस आई गए अपर तो स्टोरी बेसिकली है कि कम काज और भी जहर नाल नाल तकने सुने तो मी है कि भेड़े ना लेकिन जो समान आंदा लैटा शटा पालने तुम्हें दसने समान एक है सिंह ओबियसली आंदा सी इसने पर लाने वास्ते सिंह के लब्बा सो बेसिकली आइए जी कोई चीज़ होनी है ये सिंग टाइप इसने जो ड्रो श्रो भी बनते हुए होने सो ईजीली जरा ना उसकी फिट कर सकते हो उस तो इलावा जनाब अस आंदा आ शावर सैट ये अगला खराब होया उसे मैं चेंज कराई उड़ने तो इसने नाल ये शावर बाकी निका मोटा समान सारा सो 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 मुस्लिम शावर तो ये जनाब मैं तकिया सी दराज पर अगर सो समझी गए तो ये उ चीज़ है जी मैं सी दसना चाहूँ बेसिकली बस शावर करने उसे नाल रखी सकने उसने पर कुछ चीज़ा चीज़ा रखने वैसे शैम्पू शैम्पू सो ये भी एक लभी गया बाकी मुख्तलिफ चीज़ा जिस तरह के टूथपेस्ट कप होल्डर ये चेंज कर ओबियसली फ्लोर पर टाइल आसा सो टाइल ने नाल लग सी नवा बाकी इसने बिच भी कुछ है टिशू होल्डर है ये क्या है जी ठंडा क्या ओ अच्छा 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 ये भी तो कप होल्डर ही है ये बेसिकली ये चीज़ मेरे अजीज ये चीज़ ये बाकी क्रोम है तो अपर प्लास्कट है कमेंट सैक्शन ने दसाया कि हमारी चॉइस ठीक है या नहीं ठीक वैसे मिगी ये डिज़ाइन पर्सनली बड़ा पसंद आया ये जनाब वो दो डंडे के जड़े इसने एक एक पास लगसन तो यह बनी जैसी जनाब है इस तरह टावल होल्डर एक और चीज़ में चीज़ा सारे में तकियाँ ऑनलाइन सन लेकिन किलियाँ में पिंडी सू है मैं चलो आप बंदा चेक भी करी तो बाकी जनाब शैम्पू एंड सूप डिस्पेंसर ये भी असं अनबॉक्स करते दसने ये भी मैं ऑनलाइन तक किया ठीक है कई बार बाई उड़ो ना कुछ खराब होने नहीं टेंशन तो ना परेशानी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये चीज़ आई थिंक जासी जनाब कंधे ने नाल फिट हो सी उसने थला ये लगसी, इसकी थोड़ा जहा अनबॉक्स भी करना है। सो बेसिकली ये आहिस्ता लगसी जनाब, फिल इसकी कुछ करना पैसे ये मिकी नहीं पता, एथोप्रो कुछ ओपन हो सी आई थिंक। सो इसने बिच सूप शूप पी जैसी, तो बाकी इसकी प्रेस करने का तरीका भी बड़ा पसंद आया। कदना जो रखसोस आइया दबाओ आहिस्त तो सूप या शैम्पू कोई भी है वो बार। बाकी सारी चीज़ें पिंडी सू आदि सन। स्टोरी बेसिकली है बहुत सारे बंद पिंडी सू शॉपिंग करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने मसला है स्पेशल जो ओवरसीज बंद इतने ने बंद भी कि जी असा समान इतना आंसा किसी ओबियसली इतना समान जो मैं आंदा टाइल्स भी है नीचे पी है यह सारा समान जनाब गड्डी बदने चीज करना। सो उतु करना पड़ना जनाब बिल्टी बिल्टी ने तकरीबन माना 1100 समथिंग कुछ खर्चा आया 1100 रुपये ने तकरीबन आलमोस्ट 1100 रुपया माड़ा खर्चा आया लेकिन यह जनाब के 1100 रुपया ज़्यादा नहीं है इस सारे समान वास्ते। सो 1100 रुपया खर्चा आया समान घर पहुँची गया। बिल्टी सो कि मेन रोड पर कुदरे भी लभी सकनी है चकसवाई डरियाल मीरपुर तक ही बन के मेन रोड पर अगर थोड़ा जि फासला होना अपनी गड्डी पर रखी जाना कुछ लोडर पर या कुछ भी चीज़ पर सो कार की नहीं आनी सकने। सो ये चीज़ा सन बाकी हम मैं तकना कुछ कुछ रखनी उस तो बाद मिलता तो भ्रा चीज़ा जो सॉर्ट आउट की बाकी स्टोरी है कि गड्डी कड़ने चुल्हे इतने पलाका तक नुमान साहब न एक निका जहा कम से मैं उन्होंने मिली कि ना नुमान जट साहब न। सो गड्डी कड़ने फटाफट जुल्ले दुकान पर नुमान साहब की मिलने उस तो बाद तकना का स्टोरी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब घरों निकले आए हैं तो बाकी कबरों पर फातिहा लाने फातिहा लेते फिर जुल्ले इंशाल्लाह अगली मंजिल नहीं जाना। थोड़ा तो भ्रा मैं एक और एक्सक्यूज करना चाहना वीडियो जी मैं गल दसा कि वैसे मैं अड़ी एक रूटीन होनी है कि मैं कमेंट भी पढ़ना होना सारे और उस तो बाद इनबॉक्स व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी कोई मैसेज करे मैं रिप्लाई लाजमी करना होना लेकिन ये जैसे थोड़ी जी रूटीन गड़बड़ हुई भी है उस वास्ते पेश की माजरत है जिन्हें बंदे की रिप्लाई नहीं आया या लेट रिप्लाई आया उस वास्ते एक्सट्रीमली सॉरी है। सो बाकी यह स्टोरी है जनाब के आस्ते आस्ते इंशाल्लाह चीज़ें बैक टू नॉर्मल होते हैं शादी तो बाद क्योंकि शादी नहीं जो तैयारियां हैं आदरी साहब की शादी भी है सो उस वास्ते एक्सट्रीमली सॉरी। फिरने फिरने पहुंची हैं जनाब असा इदरान साहब का इदरान साहब कैसे मजा दोनों मिलने हरी गए सर कोई नहीं गल नहीं रही कोई नहीं कौन इतना आने मैं भैन भ्रा तक क्या त्रै चार वीडियो तो कौन आना हूँ कोई हाजरी नहीं ना बाकी गल बाकी नुमान साहब आए थे तू कुर गए मसे गड्डी की है ना जी ओ मैं मिलना सी ना जी कोई लात नहीं मैं उसकी फोन करता बुला वापस आई गए जनाब साढ़े नुमान साहब। नुमान साहब का क्या हाल है सेहत कैसी हैं कुधर रुले को ले हो अल्लाह ना लख लख शुक्र है अल्लाह ना बड़ा करम है जो मैं चीजा सारिया आपको करी गई तो दोस्तों पर बैर माड़ी शादी हुई है शुक्र करो बहुत बाल है इसे मारे ऐसी बाल है बाकी नमान सब कब मारने सुबह से मिलने सारा मुँह जिधर होना असं उधर टूटी पेने होने खलते पलाका सा लेकिन इसलिए पहुंचे हैं डड़ियाल डड़ियाल है मैं गल करने करने आया नमान साहब की मैं गड्डी ब्रेक चेक करानी है क्योंकि अगर एक सफर पर जुसा उस अगर 10 बजे 10 बजे नहीं उसकी सो सफर पर जुले पहले ब्रेक लाजमी ठीक होनी चाहिए हाल इसकी चेक कराने आवाज़ करनी सी मैं चलो चेक कराई तो उस तो बाद वापस पलाका भैनों का भ्रा नुमान साहब की लाई उड़ा जनाब वापस दुकाना पर तो निका जहा कम से कम चम मकया असं तो यहाँ डड़ियाल चाहिए तो पलाक वापस पहुंची आए असा स्टोरी है हालात वाकयात तुम्हें अंदाजा हो रहा उसी कि साढ़ा अज प्रोग्राम बनी गया कोटली जाने ना वह भी अचानक कोटली आजाद कश्मीर बिल्कुल अचानक प्लान बनता जाने ना इसलिए टाइम हो रहा 2:30 यानी कि निकलिया मैं 3 हो ही गया सन पर कोटली जाना आ बल्कि कोटली शरीफ आना जी हाली कोटली तो नहीं नहाना चाहिए ना सो चुले अज कोटली शरीफ जी करो फटाफट कम शम मकई कहते हैं सो हूँ चुले पहने गड्डी से चुले जनाब सीधे तीर कोटली आजाद कश्मीर पहनों का भ्रा इसलिए जा रहे हैं नाड़ तो गुजरो तो मरहूम नाड़वी साहब ने याद ना अच्छा है किस तरह हो सकना बाकी कोटली तरफ सारा सफर जारी हो सारी है कोटली निका जहा कम है बाकी है इनके जिया साहब ने कुछ पार्सल पे हुए वह असर कोटली सुचाने तो वापस वो पार्सल देने जनाब असा ब्लाक आने क्योंकि जिया साहब ने जाने की तैयारियां हैं काफ़ी ब्लाक जो सा मौजूद नहीं सन इसे वजह सुनी सर क्योंकि उन्होंने वापस जाने का टाइम आई गया तो वापसी पर जल्द बंदा परदेस जाना तो कम बड़े होने तो असा उन्होंने क्या है जनाब के यू डोंट नॉट वरी हम वो उधर से पार्सल उठाएंगे और ब्लाक ले आएंगे तो फिर इतू हो जाए दुबई शुबई खर्च होगा दोस्तों अपना समान हो सी नहीं कुछ इस तरह बाकी जुले कोटली तो तकने कोटली का स्टोरी बनती है तो बाकी कुछ कुछ सोचो सर गुल पर आजाद कश्मीर पहुंचे हैं जनाब फिरने फिरने असा तो कोटली ने सारा सफर जो जारी और सारी है गर्मी काफ़ी है लेकिन यकीन करो एसी लाया हुआ है तो बंदे की कख पता नहीं लगना। स्पेशल थैंक्स टू नकाश जट पलाकवी साहब फॉर दिस एसी रिपेयरिंग सर्विस उन्होंने बदौलत तो सारा कुछ मुमकिन है नहीं तो अभी भाबा सुना काला सूट तो लाई तो नहीं थी कोटली फिरना
कोटली जा तो इस जगह ना खला है किसा आई सकना। यह वाइल जगह है जितों सारा कोटली नजर रखना और इकतदार जश्न तो बाद मैं जरूर ऐलान किया वा कि मैं इस जगह पर कोई व्यू पॉइंट जरूर बना सा क्योंकि इतों सारा कोटली नजर रखना है माशाल्लाह। चलो तो भ्राओ कोटली शहर छोटे मोटे काम काज से मैं हम कोटली आया वहाँ ससुराल शरीफ ना चलो किसा आई सकना चुने दो मिनट उतने भी हाजरी दीछने बाकी सजाई रहे तो माड़ी रोड पर मौसम बड़ा अच्छा ए सी में लाया बाहर निकलता को गल पास सच्ची जी ये बाहर निकलता तो पता लग सी मौसम कैसा बाकी चुने उच्चा पानी पीने उस बाद अगली गल सोचो। भैनों तो भ्राओ ससुराल शरीफ चु निकली आया तो बाकी ये है कि शाम तक काफ़ी पी गए इतने गल करने करना सूरज सूरज ढलना जाना और व्यू इतों बड़ा इनक्रेडिबल और खूबसूरत माड़े नजरिए के मुताबिक है बाकी हर बंद ने अपनी अपनी सोच बाकी जुलें फटाफट शहर ज़िया साहब ने कपड़े जिन्हें मारे असा आया और चाहे कोई नहीं ज़िया साहब कह दो कुछ ही बाबा कपड़े चासो या क्या कर सो मैं जी चासा कि ना चासा तो जुलें ज़िया साहब ने कपड़े चाने तो इस बात लाका जुलें और क्या हो सकता वीडियो शायद थोड़ी जी लेट हुई शामी लेकिन चलो है पहले तो भ्राओ कोटली सो जाइए असा तो बाकी है कि शॉपिंग शुपिंग तो माड़ी शुरू है हर जगह सो सो शॉपिंग की गलबात ही कर सह पापा का बिगे चिराग साहब क्या हाल है सो सेहत कैसी है तको अचानक में दौरा किया लेकिन मुलाकात हुई ना अचानक मुलाकात हुई है अजकल सारे काम अचानक हो जाए बाकी खान साहब की दुकान है इतने कोटली अड्डे को इतने मैं आया स्पेशल कारपीट गिरा इन्होंने बारे बड़ा बुझा उस दड़ा में गया सा जनाब पिंडी भी लेकिन उतु मैंने की मैं खान साहब ने उसे दसिया कि खान साहब आप कारपीट बड़ा अच्छा देता है आपके मीरपुर तक रोले पड़े हूँ मैं हूँ कारपीट कर सा ठीक है तो फिर मैं तकसा भाई ठीक निकली है या नहीं निकली अगर ठीक निकली भाई ताबीदार है भाई ठीक है इतने इंशाल्लाह जो ना मैंने क्या बोला है गारंटी होगा चलो वो नहीं दोने से जो ना मैंने क्या बोला है मैंने में बेशक दो दफा दो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा बस चलो खाना गारंटी भी चाहिए थी बाकी कारपीट पसंद आई थी मैं चलो अभी किंजुल आए भी जितने गड्डी खाली है खाली नहीं रहनी चाहिए सो कारपीट कटाने तो शिरान साहब तुसा भी शुक्रिया जो मैं तो नहीं तकिया लगे तुसा तक ही कहता माड़ा तो अचानक दौरा सी ना हंगामी बनाया था पर बाकी कारपीट कटाने तो रखने गड्डी पहले तो भ्राओ शाम पी गई है टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा है बाकी इतना तो मौजूद है जनाब सरदार साहब ने दुकान पर भाई मौजूद है सारे सो इतने बहने वीडियो एडिट करने नाल ही करने अपलोड अपना बहुत सारा याद रखे मैं दुआवें याद रखे मैं दुआवें याद रखा तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक बार फिर हूँ कोटली से अपने बाबे की इजाजत दियो अल्लाह हाफिज़।